एवरीवन, आई एम दीप्ति। वेलकम टू दीप्ति अबजीत राठौर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। तो जस्ट अभी मैंने ब्लॉग को किया स्टार्ट एंड यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज खट्टा मीठा वाला कद्दू। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक कढ़ाई रख दी है, इसमें डाला है सरसों का तेल। और जब हमारा ये सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, सरसों का तेल का गर्म होना बहुत ज़रूरी होता है, जब तक उसमें धुआं नहीं निकले, तब नहीं तो उसमें से एक महक सी आने लगती है सरसों के तेल में। एंड उसके बाद यहाँ पे डाला हुआ है मेथी दाना आधी चम्मच के करीब एंड लहसुन। ये दोनों ही इसमें बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि दोनों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, दोनों की खुशबू बहुत अच्छी आती है। उसके बाद यहाँ पे डाल दी हुई हल्दी थोड़ी सी एंड इसको अच्छे से पहले भून लेंगे हल्दी डाल के, क्योंकि हल्दी कच्ची ना रह जाए। और उसके बाद डाल दिया है कद्दू। तो यहाँ पे कद्दू कट करके रखा हुआ था ऑलरेडी, तो उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और इसको दो मिनट तक पहले चलाएंगे, थोड़ा सा ऐसे भून लेंगे एंड उसके बाद फिर बाकी मसाले डालना हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे डाला हुआ है रेड चिली पाउडर, मतलब लाल मिर्च पाउडर। एंड उसके बाद डालेंगे यहाँ पे थोड़ी सी सूखी धनिया, मतलब धनिया पाउडर। एंड उसके बाद डालेंगे इसमें नमक, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डालिएगा। यहाँ पे मैंने मतलब छोटी चम्मच छोटी एक चम्मच नमक डाला हुआ है। एंड इसको फिर चला लेंगे 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद इसको ढक के पकने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के, मतलब फिर इसको बीच बीच में ना चलाते रहेंगे, खोल खोल के देखते रहेंगे कहीं एक तरफ ज़्यादा ना पक जाए, क्योंकि कढ़ाई में पकाते ना तो हमें सब्ज़ियाँ 2-3 बार चलानी पड़ती हैं जिससे कि इक्वली पके। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कद्दू कितना पक गया। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा मतलब हरा आम। तो ये हरा आम तो आजकल नहीं आ रहा, हल्का सा पीला सा आने लगा इसलिए इसका कलर ऐसा दिख रहा है गाइस। तो ये हरा आम ही है एंड उसके बाद इसको ऐड कर दिया है। और इसमें डाला है फिर 2 चम्मच चीनी। तो इससे खट्टा मीठा वाला दोनों टेस्ट आता है कद्दू में, और इसको ट्राई कीजिएगा। ये हमारे साइड की रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनता है। इसको पूड़ी के साथ में या पराठा, इन सब की चीज़ में साथ में खाइएगा तो खट्टा मीठा वाला कद्दू बहुत टेस्टी, चटनी की तरह काम करता है ये अच्छा खासा। एंड यहाँ पे कद्दू बनके मेरा तैयार हो गया है। और उसमें आप हरी मिर्च वगैरह डालना चाहें तो वो सब भी डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें और कोई मसाले नहीं पड़ते हैं। एंड इसको बाद में गार्निश कर देंगे धनिया पत्ती से अच्छे से, और उसके बाद इसको सर्व करेंगे। और आप सर्व करने के लिए फिर इसको एज अ रोटी के साथ खाइए, पराठा या पूड़ी के साथ खाइए, किसी के साथ भी खाइए, बहुत टेस्टी लगता है ये। एंड चलिए इसके बाद अभी यहाँ पे आरुष कराते हैं पहले ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे आरुष ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क और विद शुगर। तो देख सकते हैं इनका क्लास टाइम में इनका ब्रेकफास्ट चल रहा है अभी यहाँ पे। एजाज तो फिर से आरुष की हो गई यहाँ पे पार्टी, और यहाँ पे ये खा रहे हैं चोको वेफर्स। देख सकते हैं सो यम्मी यम्मी, मतलब केक इनका आ चुका है, वेफर्स आ चुके हैं, बहुत टेस्टी थे यार। उसके बाद चलिए इवनिंग का कुछ इंतजाम कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे दूध गर्म करने जा रहे हैं, इसी दूध में आरुष का भी काम चल जाएगा, आरुष भी दूध पीता है अभी। एंड उसके बाद बाकी बचा हुआ जो दूध बचेगा उसमें बना देंगे दही, क्योंकि हम लोग फ्रेश दही डेली घर में जमाते हैं और घर का ही बना हुआ दही खाते हैं, बाहर का नहीं लेके आते दही कभी भी, मतलब घर में ही डेली फ्रेश मतलब शाम को जमा देते हैं, सुबह खाने के लिए तैयार हो जाता है। एंड उसके बाद साथ साथ में यहाँ पे मैं लौकी कट कर रही हूँ, आज बनाएंगे लौकी चावल डिनर में। एंड इसके अलावा कुछ और नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि जो शाम का स्नैक्स था वो थोड़ा सा हैवी हो गया था, तो बस आज के डिनर में लौकी चावल ही है। और ये खिचड़ी बोलो या इसको जो भी बोलो, बहुत टेस्टी बनती है, लौकी भी चली जाती है साथ साथ में, चावल भी, मतलब हल्का फूड भी होता है और बहुत टेस्टी होता है, बच्चे से लेके बड़े हमें तो बहुत पसंद है हम सबको। और वैसे ये मेरे पापा की रेसिपी है, मतलब मेरे फादर इन लॉ की रेसिपी है, और उन्होंने ही बताई है ये मुझे, और मैंने यहीं पे आके खाई थी, और उसके बाद तो मुझे मतलब मेरी फेवरेट हो गई है। और साइड में एक साइड बड़े वाले भगोने में यहाँ पे आरुष की बॉटल्स बॉयल हो रही हैं, और एक साइड गर्म हो रहा है हमारा दूध। तो पहले कट कर लेते हैं लौकी को, देन मिलते हैं गाइज आप लोगों से। गाइस बनाना
स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लौकी चावल, और यहाँ पे मैंने डाला हुआ है ये घी, और घी की क्वांटिटी बहुत अच्छी खासी डाली क्योंकि हमें खिचड़ी में तहरी में घी बहुत पसंद आता है, तो मैं घी में ही बनाती हूँ और ऊपर से घी फिर थोड़ा कम डालना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने काफ़ी घी डाला हुआ है, और घी आजकल थोड़ा सा ना गर्मी की वजह से पिघला हुआ रहता है इसलिए ऐसा दिख रहा है, और ये एकदम शुद्ध देसी घी है हमारा। और उसको पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे, देन इसमें ऐड कर देंगे ढेर सारा जीरा, मतलब मैंने यहाँ पे एक चम्मच भर के जीरा डाला हुआ है क्योंकि जीरे का ही मेन इसमें होता है और कुछ नहीं पड़ता है इसमें। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे हरी मिर्च, और मैं हरी मिर्च थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, और आप कोई और मसाला मतलब हल्दी वगैरह ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, मैं नहीं ऐड करूँगी क्योंकि मैं एकदम प्लेन आज खाने का मन कर रहा है तो कोई मसाले नहीं डालूँगी। एंड उसके बाद यहाँ पे ऐड कर दी लौकी, लौकी को भी अच्छे से पहले भून लेंगे, देख सकते हैं एक एक दो दो मिनट तक अच्छे से लौकी को भून लेना क्योंकि भूनना ज़रूरी होता है सब्जियों का। एंड देख सकते हैं लौकी जब हमारी भून गई है, देन उसके बाद इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और नमक तो पता है आपको खिचड़ी में कितना डालना होता है, तो मैंने यहाँ पे एक से डेढ़ चम्मच करीब डाला हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे डाल दिए चावल, और चावल डालने के बाद भी इसको अच्छे से चलाएंगे, मतलब दो से तीन मिनट तक इसको चावल के साथ भूनेंगे फिर लौकी को, और जब ये भून जाएगी थोड़ी सी उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे पानी, और पानी आप अपनी मतलब उसके हिसाब से ऐड कीजिएगा कि आपको पतला वाला खिचड़ी खाना पसंद है या थोड़ा गाढ़ा वाला टेक्सचर किसी को चाहिए होता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। और इसको फिर गर्मा गर्म सर्व करना है, एंड ज़्यादा इसमें कुकर में सीटी नहीं आनी चाहिए, बस एक से दो सीटी में बनके तैयार हो जाती है। और यहाँ पे आरोज रीड कर रहे हैं अपनी बुक को, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये रीडिंग करते हैं। टॉयज वगैरह सारे फैले हुए हैं, देख सकते हैं आप पूरे टाइम ऐसे ही फैला रहता है। तो गाइज आज मम्मी का स्पेशल चाट बन रहा है, एंड उन्होंने अपना प्रोग्राम बना लिया, इवनिंग का जो स्नैक्स है वो मम्मी के नाम का है और मम्मी बना रही हैं आज, तो मुझे मतलब रेस्ट इन द सेंस बाकी काम कर लूँगी अपने, बट मम्मी बनाएंगी इसको। और उनका इंस्टेंट बनाने का मन था तो मटर वगैरह भी पूरी भिगोई नहीं थी, कुछ नहीं किया, एंड ऐसे करके बना रही हैं। तो चलिए अभी बनाएंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, दिखाएंगे आप लोगों को। वैसे भी मम्मी लोगों के हाथ की चीज़ें ना बहुत टेस्टी बनती ही हैं, मतलब उनके हाथों का मतलब होता ही है यार, थोड़ा सा ना टेस्ट अच्छा वाला आ ही जाता है कोई भी चीज़ बनाओ, इंस्टेंट बनाओ या चाहे जैसे बनाओ। तो इंस्टेंट टिक्की बना के हम लोग खाने वाले हैं अभी। गुड इवनिंग गाइज, अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल, और अभी शाम का टाइम है एंड मम्मी बना रही है अभी आज टिक्की, तो दिखाते हैं आप लोगों को। एंड ये है मटर चाट जिसे हम देने जा रहे हैं पापा को। क्या कर रहे हैं आप वहाँ पे? खेल रहे थे। और खा लीजिए थोड़ा सा। एंड यहाँ पे ये पक रही है टिक्की, मम्मी इसको एक एक करके पका रही हैं, और इसमें रखी हुई है मटर फ्राई करके मतलब बॉईल करके, तो आप इससे देखिए ये रखी हुई मटर, बाकी मटर चाट भी बन चुकी है, लगभग एक बन के ख़त्म हो गया है सब कुछ, और हम बस मम्मी बना एंड साथ साथ में सब लोग खाते भी जा रहे हैं। ये रखा है प्याज वगैरह कटा हुआ, हरी मिर्च, एंड यहाँ पे रखी हुई टिक्की, और ये है इमली की चटनी। इमली की तो है मम्मी, ये रखी हुई है इमली की चटनी। तो ये रही मेरी, बनके तैयार हो गई है, मम्मी ने दे भी दी, मम्मी बना रही हैं। एंड राठौर जी बस बचे हुए हैं, ऑफिस से आएंगे तब खाएंगे, हम लोग सब खा ले रहे हैं अभी, तो ऑफिस से नहीं आए हुए हैं, एंड पहले खा लेती हूँ फिर आप लोगों से करती हूँ बात। एंड गाइज ये इंस्टेंट वाली टिक्की है आप देख सकते हैं, और ये बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी सी सिकी हुई है इसके अंदर, देखिए
बहुत टेस्टी बनी हुई है एंड मीठी चटनी है, बस नमकीन चटनी नहीं है इसके साथ में एंड दही नहीं डाला हुआ है इसमें, रखा है बस डाला नहीं है। और इसमें मटर वगैरह, मतलब ये इंस्टेंट एक घंटे के अंदर पूरी टिक्की बनके तैयार हुई है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मटर भी नब भी गोई भी नहीं थी, डायरेक्ट उबाल के बनाई हुई है। तो चलिए गाइस पहले हम खाते हैं इसको एंड साथ साथ में आज के ब्लॉग का भी करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में, नए वीडियो के साथ में कुछ नया लेके। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।